नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका रिजल्ट भी फिक्स हो गया है और आपका एग्ज़ाम डेट है वो भी फिक्स कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ से देख पा रहे हैं थुम्बाली में यूपी टेट की परीक्षा तिथि बदल दिया गया है और एडमिट कार्ड निकालने की नया डेट आ गई है और 10 लाख छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और बड़ी खबर अपडेट निकल के आए हैं। तो दोस्तों, क्या ऑफिशियल अपडेट आए हैं आपको बताते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल बटन पर क्लिक कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और दोस्तों, जो TAT की यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप इसको विजिट करें NKC न्यूज़ के क्रिएटेड प्लेयर लिस्ट में। NKC न्यूज़ के जब क्रिएटेड प्लेयर लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे मिलेंगे। 48-50 वीडियो डला हुआ है पहले से, जो आपको विज्ञान और रीजनिंग भी मिलेंगे, करंट अफेयर भी मिलेंगे, कुछ वहाँ सारे वीडियो डला हुआ है। तो वहाँ जाकर विजिट कर लें और सभी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम करेंगे, ठीक है। यदि आप यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो वहाँ उसका भी वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी भी वहाँ पर सारे साइंस क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं डेली कुछ न कुछ अपडेट कर करके डाला हूँ तो वहाँ आपको सब कलेक्शन में ही वीडियो मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं। जैसे यहाँ की देख पा रहे हैं UPTET 30 अक्टूबर तक वेबसाइट पर होगा प्रवेश पत्र। और यहाँ देख रहे हैं शासन की ओर से उत्तर प्रदेश, यहाँ जैसे देख लेते हैं, यहाँ से देखिएगा, इसमें लिखा है शासन की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की नई तिथि 18 नंबर तय किए जाने के बाद मंगलवार को संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। और सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी की ओर से प्रदेश उत्तर प्रदेश के सभी जिला विद्यालयों के निरीक्षकों को पत्र भेजकर जनपद स्तरीय टीम के माध्यम से 17 अक्टूबर के केंद्र का निर्धारण किया करने का निर्देश दे दिया है। और संशोधित कार्यक्रम 22 अक्टूबर तक केंद्र परीक्षार्थी की संख्या करके उसकी जानकारी हार्ड एवं स्विफ्ट सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से परीक्षा नियामक को भेजने का कहा गया है। और केंद्रों के बारे में पूरी जानकारी सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से आपको मिलेगी एनआईसी के पास जो है 23 अक्टूबर को भेजना ही है। और परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 30 अक्टूबर तक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, यानी देख रहे हैं एडमिट कार्ड आपका जो है वह 30 अक्टूबर तक प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाएंगे वेबसाइट पर, ठीक है। और देख लेते हैं, इसके अलावा इसकी जानकारी भी समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए निर्देश दिए हैं। परीक्षा नियामक की ओर से 16 नंबर को परीक्षा का प्रश्न पत्र डबल लॉक में रखने के लिए जिला मुख्यालय भेजा जाएगा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 18 नवंबर, अब यहाँ जिसे देख पा रहे हैं, अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार जो है यहाँ पर 18 नंबर को दो पालियों में सुबह 10 बजे से यहाँ टाइम टेबल दिया गया है, कितना बजे से आप इतना बजे जा सकते हैं। तरमाला जारी कर दिया जाए, 23 नवंबर को आपत्ति मांगी जाएगी और 29 नवंबर को विशेषज्ञ समिति आपत्तियों के निस्तारण करेगी और 8 दिसंबर को परीक्षा फल घोषित कर दिया जाएगा। नहीं, रिजल्ट भी इसमें पहले ही सब ये एकदम सूत्र बना लिए हैं किस तरह को रिजल्ट निकालना है, किस तरह को एडमिट कार्ड, किस तरह को एग्ज़ाम, टोटल चीज़ इसमें पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। और जिसमें कि देख रहे हैं यहाँ पर UPCDS और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी एक ही दिन दोनों पहले से ही ये घोषित कर दिया गया था, ठीक है। इसका जो है एग्ज़ाम डेट पहले से ही घोषित था इसी डेट में 18 नवंबर को ही। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम बढ़ गया है, यहाँ से देख पा रहे हैं ये 18 नंबर को UPCDS और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी एक ही दिन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कि देख रहे हैं स्टैंड फोर उसके भर्तर की परीक्षा जो है पहले ही तय की गई थी, तो ये तीनों परीक्षा एक साथ होगी, पहली बार इसी बड़ी संख्या में हो रही है। तो आपका ये दोनों तो सेंटर तो फिक्स है, आपका सेंटर में प्रॉब्लम और बहुत परेशानी हो सकती है। तो आगे के अपडेट देखने के लिए NKC को अभी सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल बटन को दबा देना, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट डेली कुछ कुछ करते रहते हैं। यहाँ रेड कलर के बटन दिखता होगा आपको, इस पर क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही इस घंटे को दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक फेसबुक पर ज़्यादा शेयर करके उसी को सूचित कर देना। फिर नेक्स्ट भी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।